दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। इन दिल्ली की गलियों में करीब 20 साल पहले मैं यहां पहुंची थी और उसके बाद दिल्ली ने मुझे जिस तरह से अपनाया और मैंने दिल्ली को जिस तरह से अपनाया, ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को इतना पसंद किया कि साथ नहीं छूटा। आज मैं यहाँ पर चांदनी चौक में मौजूद हूँ। हालांकि जो मेरा सफर था उसकी शुरुआत पुरानी दिल्ली से नहीं हुई थी, नई दिल्ली से हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो पुरानी दिल्ली है ये इतनी नई लग रही है। आज पूरा रेनोवेशन किया गया है, ब्यूटिफिकेशन किया गया है चांदनी चौक का। यहाँ पर मौजूद है ये समझने के लिए कि क्या जिसको ब्यूटिफिकेशन या एक नए टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश है दिल्ली सरकार की, उससे क्या कारोबार पर असर पड़ रहा है, ये भी यहाँ के नागरिक बता रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के बाद अब जब धीरे धीरे कोरोना का कहर थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ी चहल पहल बढ़ रही है बाज़ारों में, इसके लिए भी हम यहाँ समझने आए कि क्या अब पटरी पर ज़िंदगी वापस लौट रही है। मैं यहाँ पर चांदनी चौक में मौजूद हूँ और अगर आप मेरे यहाँ पर उल्टे हाथ पर देखेंगे तो ये जैन लाल मंदिर है। यहाँ पर उससे आगे गुरुद्वारा है और उसके बाद मस्जिद है और चर्च भी है आसपास ही। तो यानी ये पूरी जो ज़मीन है ये गंगा जमनी जो तहजीब है या इसके अलावा और भी जो तहजीबें हो सकती हैं उन सब का एक तरह से संगम है। मेरे साथ यहाँ पर राना सफ़ी मौजूद हैं, जानी मानी इतिहासकार हैं, पुरानी दिल्ली पर बाकायदा उन्होंने किताब लिखी है। 2 साल पहले उनकी किताब शाहजहानाबाद ये किताब आई है उनकी, और द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली के नाम से, ये आप ज़रूर पढ़िए इनकी किताब राना सफ़ी की। और इसके अलावा दामिनी मेरे साथ मौजूद हैं जो हिंदी की बिंदी कार्यक्रम द वायर पर करती हैं। हिंदी की बिंदी के अलावा, हिंदी की सांस्कृतिक दुनिया के अलावा दिल्ली शहर में अपनी पैदाइश से अब तक ये रहती आई हैं, तो मुझसे बेहतर कहीं ज़्यादा दामिनी इस शहर को समझती हैं। और दामिनी की एक अच्छी आदत ये है कि ये पैदल बहुत चलती हैं, तो इसलिए ये ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ही लोगों को देखती हैं, बिल्कुल एक आँख में आँख मिलाकर। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं चांदनी चौक का रेनोवेशन देखने के लिए राना सफ़ी के साथ, दामिनी यादव के साथ, लेकिन साथ साथ चर्चा इस बात पर भी करेंगे क्योंकि आप जानते हैं जब मैं यहाँ आई हूँ तो जाहिर है कुछ बात राजनीति की भी ज़रूर होगी, ये तो आप उम्मीद कर ही रहे होंगे। तो बात राजनीति की ये होगी कि किस तरह से इतिहास को बदलने की जो लगातार कोशिश हुई है पिछले 6-7 साल में, जो नए नज़रिए से हमें हमारे देश को, हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को दिखाने की कोशिश हुई है, उसका क्या असर पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से राना सफ़ी कह रही है कि ये कोई ऐसा शहर नहीं है जो इतिहास में गुम हो गया हो, ये लिविंग सिटी है, ये जीवंत शहर है, जीवंत जो जी रहा है अभी। तो यहाँ भी इस पूरे जो इतिहास है उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लाल मंदिर है, पहले मुझे राना सफ़ी ने बताया इसको उर्दू मंदिर कहा जाता था, इसका क्या इतिहास है ये हम जानेंगे। इतिहास की किताबों को जो बदला जा रहा है, हमारे महापुरुषों को बदला जा रहा है, उसको हम किस तरह से देखते हैं। तो इसी के साथ आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। अगले कुछ मिनटों तक हम आपको दिखाएंगे पुरानी दिल्ली जो नई बन गई है, चांदनी चौक जो बदला बदला सा दिख रहा है, और साथ ही कुछ इतिहास और राजनीति की बातें। तो राना सफ़ी, आपसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि ये जो लाल मंदिर है, आप मुझे बता रही थी कि ये लाल मंदिर उर्दू मंदिर हुआ करता था, क्या इतिहास है इसका? देखिए, पहले जो था ज़बान का नाम उर्दू नहीं था, हिंदवी था नाम, और रेख्ता में शायरी होती थी। और ये जो जगह है इसको कहते थे शहर उर्दू ए मौला, और जो ज़बान बोली जाती थी उसको कहते थे ज़बान उर्दू ए मौला। तो उससे ये फिर बाद में एब्रीविएशन एक आ गया कि ज़बानी का नाम उर्दू पड़ गया। तो यहाँ के ऊपर अब देखिए किला बिल्कुल सामने है, और यहाँ के ऊपर आर्मी कैंप्स हुआ करते थे, और इस जगह को का जो नाम था, इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, ये था उर्दू बाज़ार, और यहाँ पे ऑफिशियल आर्मी इस तरह के लोग यहाँ रहते थे, क्लार्क रहते थे। और ये एक जैन था, या तो वो कुछ सोर्सेज में कहते हैं कि वो सिपाही था शाहजहां की फ़ौज में, कुछ कहते हैं कि मतलब हो सकता है कि वो क्लार्क हो, जो भी कुछ था वो उनकी फ़ौज में था, जिस भी पोजीशन में था। तो उसने अपने खेमे में एक मूर्ति रखी हुई थी जो तीर्थांकर पार्श्वनाथ की थी, एंड दैट वाज 14th century। तो उसकी वो पूजा करते थे, और बाद में जहाँ उनका खेमा था वहीं पे मंदिर बनी, और इस मंदिर का नाम कभी लश्करी मंदिर कहा गया, कभी इसको उर्दू मंदिर कहा गया, उर्दू बाज़ार के ऊपर। और ये उर्दू बाज़ार बहुत दिन तक चला। आज आपको लगता है कि 21वीं सदी में जो हम देख रहे हैं एक अलग तरह की राजनीति, क्या कोई उर्दू मंदिर भी पॉसिबल है आज की तारीख में? क्योंकि आज उर्दू को जो है वो ज़बान से जोड़ दिया गया है, और उर्दू और मंदिर का संगम भी मुश्किल है।
दामिनी क्या लगता है आपको ये बताइए कि ये लगता है देखकर के मंदिर एक ऐसी चीज रही है जो लश्करी मंदिर भी हो सकता है। लश्करी को किसी आप एक चीज से जोड़कर अगर ना देखें और ज़हनियत को इतना खुला बना दें तो लश्करी मंदिर भी हो सकता है, उर्दू मंदिर भी हो सकता है। और एक ऐसी सड़क जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाकर जुड़ जाती है, नाम है जिसका चांदनी चौक। लेकिन भरी दोपहरी में जिसे हम मतलब जहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, जहाँ भीड़ है और धूल मिट्टी है और रिक्शों की आवाजाही इस तरीके से है कि आप पैदल ठीक से चल भी नहीं सकते, लेकिन उन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच में ही यहाँ की व्यवस्था चलती है, ये है चांदनी चौक। अव्यवस्था के बीच में व्यवस्था है, हाँ, यानी कि बिल्कुल केओस में एक तरह से एक तरह का ऑर्गेनाइज तरीका निकाल लिया है। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने कहा चांदनी का इंतज़ार मैं कर रही हूँ। धूप में हम तीनों जो हैं वो अभी ठोस अवस्था से अभी द्रव अवस्था में बिल्कुल बहते हुए थोड़ी देर में नज़र आ रहे हैं, इतना पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो झारूपन हमारे अंदर ज़रूर है कि हम आपको दिखा करेंगे। दामिनी ये बताइए कि जिस तरह से हम इतिहास को, तो मैंने बताया कि हम देखने का नज़रिया देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जब आप यहाँ पहुँची, आप अक्सर आती रहती हैं, आपने बताया आपको वैसे भी बहुत शौक़ है, एक जैसे मैं कहती हूँ कि दिल्ली की जो अंडर बेली है उसको बहुत कम लोग जानते समझते हैं, उसमें दामिनी भी एक हैं। दामिनी ये बताइए कि ये जो ये आप रेनोवेशन जो है आप उसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, अगर साफ़ सफाई के एतबार से देखा जाए तो ये रेनोवेशन बहुत अच्छा है और यहाँ आने वाले लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, लोग खुश भी हो रहे हैं। हालांकि यहाँ का जो व्यापारी तबका है वो इस बात से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि जो सामान की आवाजाही हुआ करती थी, जो माल की ढुलाई वगैरह का वक्त हुआ करता था, वो यही वक्त हुआ करता था, वो सब बंद होने की वजह से उनका व्यापार प्रभावित हुआ है। और चांदनी चौक जैसे बाज़ार में आने वाले लोग मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार होकर आते हैं कि उन्हें भीड़ भी मिलेगी, धक्का मुक्की भी मिलेगी और उन्हीं के बीच उनको अपना काम करना है, अपनी शॉपिंग पूरी करनी है। तो यहाँ का व्यापारी वर्ग का हित जो इस वजह से प्रभावित हो रहा है वो एक बड़ा कारण बन सकता है कि जल्दी ही इस रेनोवेशन की भी तस्वीर बदल जाए, इसकी सूरत फिर से बदल जाए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि साफ़ सफाई की बात है, तो अभी 10 दिनों के खुलने के दरमियान ही हम यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी जगह में फिर से थोड़ी थोड़ी सी गंदगी नज़र आ रही है। तो साफ़ सफाई का ये कितना ज़्यादा रहेगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो यहाँ की तहजीब है वो ज़रूर वापस लौटेगी, क्योंकि चांदनी चौक सिर्फ अपनी मार्केट्स के लिए ही नहीं जाना जाता था, यहाँ की एक संस्कृति भी हुआ करती थी, वो संस्कृति जो कभी मुशायरों की हुआ करती थी। दामिनी उस पर मैं बात करूँगी, अभी संस्कृति पर आएंगे और ये देखेंगे कि ये शहर सिर्फ दुकानों का, ये इलाका सिर्फ दुकानों का नहीं है, सिर्फ कमर्शियल हब नहीं है, बल्कि कई सौ साल पुराना जो इतिहास है। मैं आपसे और राना सफ़ी दोनों से बात करूँगी। शाहजहाँ के शाहजहानाबाद में हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह की जो ऐतिहासिक, जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो क्या है। शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा बेगम, जी हाँ, ये नाम तो आपने सुना होगा, बहुत सारे जो भारतीय मुसलमान हैं, जो औरतें हैं, उनके नाम जहाँ आरा होते हैं, लेकिन जहाँ आरा बेगम ने ये चांदनी चौक बनाया था। उस चांदनी चौक की ही अलग अलग गलियों में जो अलग अलग विरासतें हैं, जो न सिर्फ कि इस्लाम के मानने वाले बल्कि अलग मज़हबों के, न सिर्फ उसमें हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, कैसे एक ही सड़क पर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के जो उनकी प्रेयर्स की जगहें हैं वो हैं, धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर हम जैन मंदिर में मौजूद हैं, जिसको राना सफ़ी ने हमें बताया कि उसको उर्दू मंदिर भी कहा जाता रहा। हालांकि मैं चाहती हूँ कि ये बात बहुत ज़्यादा पब्लिक नॉलेज में ना जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा इस बात को लेकर हम कहेंगे कि ये उर्दू मंदिर है, हो सकता है ये पता नहीं कि कल को फिर कुछ ताकतें खड़ी हो जाएँ और कहें कि आप इसको उर्दू मंदिर नहीं कह सकती। यहाँ एक बचपन की कहानी दामिनी मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि मेरा जन्म बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा कस्बे में हुआ और जिस जगह पे मैं रही, मैं पैदा हुई और मेरा बचपन गुजरा, उस जगह का एड्रेस था जैन मंदिर वाली गली। तो आप ही सोचिए कि मुझे जब मैं किसी को एड्रेस देती थी तो कहती थी कि आप आइए हमारे घर जैन मंदिर वाली गली। तो आज जैन मंदिर पे ही मैं यहाँ खड़ी हूँ, राना सफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो ये मंदिर है, लाल मंदिर, इसका इतिहास क्या है और यहाँ जैन मंदिरों का जो शाहजहानाबाद है उसका क्या इतिहास है। देखिए, जब शाहजहाँ ने ये फैसला लिया कि आगरे से वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ नया राजधानी या दारुल हुकूमत बनाएंगे, तो साथ में उन्होंने काफ़ी जैन अग्रवाल मर्चेंट्स को भी इनवाइट किया, क्योंकि शहर में आपको ट्रेडर्स चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो गलियों के नाम हैं, वो गलियों के नाम या तो प्रोफेशन पे हैं या कम्युनिटीज़ के ऊपर हैं और या लोगों पर हैं। तो अब यहाँ के ऊपर जैसे जहाँ जैन रहते हैं उस एरिया को कहते हैं धर्मपुरा। और जो शाहजहानाबाद की सबसे खूबसूरत अगर इमारतें मैं कहूँ तो वो यहाँ के जैन मंदिर है।
आप जाइए तो बिल्कुल बिल्कुल लगता है जैसे जन्नत में आ गए। इतनी खूबसूरत नक्काशी, इतने खूबसूरत उसमें बेल बूटे डिजाइन, चांदी सोने से लदा हुआ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के जैन मंदिर है। मतलब आप उसकी आप छतों पे देखिए ना, तो बिल्कुल लगता है कि आसमान वहीं पे, वही एक आसमान है। आपने ये जिक्र किया था यहाँ पर कि ये बादशाह की बेटी ने बनाया। मुग़लों के जब हम शिल्प की बात करते हैं, एक से बढ़कर एक शाहकार हमें देखने को मिलता है, चाहे वो लाल किले से लेकर ताजमहल तक क्यों ना हो, लेकिन मुग़ल बेटियों का, बीवियों का रोल होने के बावजूद उसको बहुत ज़्यादा उल्लेखित नहीं किया गया। मैं चाहूँगी कि इस खूबसूरत चांदनी चौक में उनकी बेटी की क्या भूमिका थी, उस पर आप ज़रूर रोशनी डालें, क्योंकि बेटियाँ जब बाप की प्यारी होती हैं तो उन पर उनकी खूबसूरत बातों का, उनकी खूबसूरत आदतों का किस तरह से असर पड़ता है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शाहजहाँ खुद वास्तुशिल्प के बहुत बड़े दीवाने थे। तो जहाँ आपने वास्तुशिल्प की बात करी, तो एक बात मैं ये भी बता दूँ कि ये शहर जो है ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। इसका अगर आप मैप देखेंगे, मैं मैप आपको इसमें दिखा देती हूँ, मैप में जो है ना ये एक बो की तरह बना हुआ है। इसका डिज़ाइन कहते हैं करमुख, यानी कि कमान। तो अगर शहर कमान था तो जो यमुना नदी है जिसको दरियाए जम कहा करते थे, दरियाए जुन, तो दरियाए जुन जो है वो उसकी तांत थी, जिसको बोस्ट्रिंग कहते हैं। तो और उसमें जो था वो किला था, तो किला जो एक धड़कता हुआ दिल था उसका। और जब ये किला बना है और यहाँ आए हैं, तो फिर शाहजहाँ ने हुक्म दिया कि भाई ये शहर सजाया जाए, शहर बसाया जाए। तो जब तक के मुमताज़ महल बेगम का तो इंतकाल हो चुका था, तो उनकी बेटी जो थी जहानारा बेगम, वो बादशाह बेगम हो चुकी थी। दैट वाज द हाईएस्ट पोजीशन एनी वुमन कुड हैव बिकॉज शी वाज द इक्विवेलेंट ऑफ एन एम्परर। तो वो बादशाह बेगम ने यहाँ पर चांदनी चौक बनवाया। अच्छा, हम आज इस वक्त जहाँ खड़े हैं तो उर्दू बाज़ार है, उर्दू बाज़ार के बाद जौहरी बाज़ार था, जौहरी बाज़ार के बाद जो जगह थी उसको चांदनी चौक कहते थे। एक स्क्वायर था जिसमें बीच में एक हॉर्स था जिसमें चांदनी झिलमिलाती थी, और उसके चारों तरफ 444 दुकानें थीं डबल स्टोरी, और उन दुकानों में कहवा खाने भी थे। हम आज जैसे जाके बरिस्टाज में और कॉफ़ी हाउसेज में बैठते हैं तो वहाँ तब भी लोग आते थे वहाँ पे, और वहाँ पे एक बेगम की सराय था। तो चांदनी चौक का जो था वो बेगम की सराय का एक रास्ता चांदनी चौक में खुलता था, और बेगम की सराय भी जहानारा बेगम ने बनाई, और पीछे उसका था साहिबाबाद बाग। ये जो बनवाने वाली बात है, इससे मैं एक बात और जानना चाहूँगी, जब कोई स्थापत्य पुरुषों द्वारा होता है उसमें कुछ चीज़ें कमर्शियल, कुछ चीज़ें व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखे ज़रूर होती हैं, लेकिन जब महिलाएं कोई काम करती हैं तो क्या उसमें खूबसूरती, संस्कृति, नज़ाकत, जो कि जिसका मिला जुला संगम चांदनी चौक है, तो क्या इसके पीछे उनका महिला होना भी बहुत बड़ा कारण था? क्योंकि वो देखिए, ये भी कारण था और ये भी है कि उन्होंने कमर्शियल भी बनाया, उन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं एस्थेटिक्स नहीं बनाया, क्योंकि बेगम की सराय तो अपने ज़माने का एक 5-star 7-star होटल था जिसमें लोग आते थे, रहते थे। उसका एक दरवाज़ा खुलता था चांदनी चौक में, एक दरवाज़ा खुलता था पीछे बाग में, जिसको बेगम का बाग, साहिबाबाद बाग, फिर बाद में चांदनी चौक बाग कहा गया। और अंग्रेज़ों ने की जब हुकूमत आई 1857 में, तो फिर वो मलका का बाग यानी कि क्वींस गार्डन हो गया, और 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो फिर वो महात्मा गांधी मेमोरियल गार्डन हो गया। तो मतलब इसमें भी आप एक हिस्ट्री देख सकते हैं कि नेम चेंजेस में। सबसे ज़्यादा जो इस बारे में मुझे जानने का जो शौक़ इस वक्त पैदा हो रहा है वो ज़ौक़ को लेकर तो है ही, लेकिन गालिब का मैं जिक्र करूं, ये गालिब की नगरी, ज़ौक़ और गालिब का जिक्र और बिना शेर के उनकी भी नगरी है। तो जैसे मैंने कहा कि कौन जाए ज़ौक़ ही दिल्ली की गलियां छोड़कर, तो मैं तो गई नहीं है दिल्ली की गलियां छोड़कर, आप भी नहीं गई, आप तो खरी नहीं दिल्ली की गलियों की उपज हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप चूँकि शौकीन हैं बहुत ज़्यादा, मैं भी इसको शेयर करती हूँ आपके साथ, ये शौक़ जो लिटरेचर का है, पोइट्री का शौक़ है, तो इसमें यहाँ पर मुशायरे होते रहे होंगे, वो महफिलें होती रही होंगी। आप जब इमेजिनेशन करना चाहती हैं तो किस तरह से देखती हैं कि किस तरह के मुशायरे, कैसी महफिलें होती रही होंगी? अरफा, मैं चिराग तले अंधेरा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, हम जैन मंदिर के तले में खड़े हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पक्षी अस्पताल है जो हम देख रहे हैं, ये धर्म दरअसल क्या है, मानवता की सेवा, मानवता की सेवा के सेवा। तो यहाँ पर कई बार मैं अपने पालतू पक्षियों को भी लेकर आई हूँ इलाज के लिए, इस मंदिर में, इस पक्षियों के अस्पताल में मेरे पालतू पक्षियों का इलाज भी हुआ है, तोतों का, कबूतर का, और यहाँ पर होने वाले मुशायरों में मैं कई बार शामिल हुई हूँ। जो चांदनी चौक की खासियतें हुआ करते थे 15 अगस्त के मौके पर या किसी और जश्न मुबारक के मौके पर, यहाँ होने वाले कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में, जहाँ मैंने देश के, विदेश के, अपने पड़ोसी मुल्कों के जाने कितने ही शायरों को सुना, और जब मिर्ज़ा गालिब
की हवेली को स्मारक का दर्जा दिया गया था, तो उस समय उमा शर्मा और गुलजार साहब ने मिलकर एक कैंडल मार्च किया था जो गुलजार साहब की हवेली से लेकर और उनकी निज़ामुद्दीन स्थिर मज़ार तक ये कारवा चला था। और बहुत सारे इसमें मुशायरे भी हुए थे जो लाल किले में आयोजित किए गए थे। उसमें मैं लकी हूँ कि मैंने कैफ़ी आज़मी साहब को, सरदार जाफरी साहब को सुना है और उन्हीं मुशायरों में सुना है, इन्हीं चांदनी चौक की गलियों में चलते हुए सुना है। आपने कभी खुद अपनी भी कविताएँ पढ़ी हैं इन मुशायरों में? नहीं, कभी कभी सुनना भी सलीका होता है बोलने के अलावा भी। बहुत क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ जो सौंदर्यकरण हुआ है चांदनी चौक का, ये हम देख रहे हैं और अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में उसने ऐसा किया है, लेकिन जगह जगह पर इतने सारे बोर्ड्स और इतनी ब्रांडिंग, इतनी पब्लिसिटी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी पैसा इसमें भी खर्च किया है दिल्ली सरकार ने। तो फिलहाल मैं यहाँ से गुजर के जा रही थी, राणा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखा है। राणा साहबा, आप यहाँ घूमते घूमते ज़मीन जायदाद भी खरीद रही हैं? आई विश, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जगह है ये कितनी, मतलब इसकी जो तारीख़ है कि इस पर कभी तो बादशाहों के प्रोसेशन निकले, हाथी घोड़े और मतलब उनके जब निकलते हैं। नाम क्या है सड़क का? ये सड़क जो है ये उर्दू बाजार वाली सड़क, और ये बीच में जहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये फैज़ नहर बहती थी यहाँ पे। तो फैज़ नहर जो थी वो मतलब पानी जो था वो हर घर तक पहुँचाता था, किले तक था, यमुना से पानी इसका आता था। तो ये एक बहुत खूबसूरत ये नहर थी। और ये जो आपको दिख रहा है, जो बालकनीज दिख रही हैं, ये आर्काइवल तस्वीरें हैं दिल्ली दरबार की 1911 की। उसमें ऐसे ही बालकनीज हैं जिसमें लोग खड़े हुए देख रहे हैं। तो ये हो सकता है जब ही की होएं, पुरानी होएं। मतलब आप ही कह रही हैं कि आम लोग यहाँ रहते होंगे वो झांक के देखते होंगे। हाँ। इस बालकनीज को छज्जा भी कहा जाता है। छज्जा भी कहा जाता है। और ये जैसे कि पहले जो था, मतलब जब बादशाह की सवारी निकलती थी तब भी यहाँ पे महल थे, मतलब हवेलियाँ थी लोगों की, जो अमीर उम्रा थे उनकी हवेलियाँ थी, राजाओं की हवेलियाँ थी, बड़े बड़े घर थे यहाँ पे। तो उसके बाद ये देखिए, अब ये तो आपको थोड़ा सा मॉडर्न और कॉलोनियल दिख रहा है। तो 1911 का प्रोसेशन है जो यहाँ से गुजरा है किंग और क्वीन का, उसमें जो हाथी पर बैठे और ऊपर से एक तस्वीर है जिसमें लोग ऊपर से झांक रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से गुजरी तो मुझे लगा जैसे कि यही बिल्कुल यही बालकनी थी जिनमें से वो लोग झांक रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि नीचे जो है वो म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी दुकान है, पंजाबी गाने नीचे बज रहे हैं 21वीं सदी में, और ऊपर जो है वो कई सौ साल पुराने छज्जे हमारे सामने अभी भी खड़े हुए हैं जहाँ से बादशाह सलामत गुजरते रहे होंगे, आम लोग उनको हसद से देखते रहे होंगे। और अब देखिए ना, वो जो गालिब की जब हम बात करते हैं कि वो उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा, तो वो अब सब्जा उग रहा है दरो दीवार पे, ये कितने दिन से उग रहा है सब्जा गालिब। तुम बयाबा में हो, घर में बहार आई है। पता नहीं कितने दिन का मेहमान। तो आप भी देखिए, गालिब जिस बहार का जिक्र कर रहे हैं वो बहार वहाँ छज्जों पे आई हुई है। तो जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे एक ये कसक सी होती है दिल में कि ये पता नहीं जो खड़ी हैं इमारतें ये कितने दिन की मेहमान है, क्योंकि जिस तरह से ये इसमें आप देख रही हैं अब ये जब जड़ें फैलेंगी तो इन बिल्डिंग्स की तो लाइफ बहुत कम हो गई है। राणा साहब, ये बताइए कि जो अपनी गुर्बत का, अपनी गरीबी का भी जो उन्होंने एक तरह से कहा जाता है कि अपने ऊपर हंस लेना, मतलब इससे पहले कि कोई दूसरा मजाक उड़ाए उन्होंने खुद अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाया, क्या ये भी बताता है कि जो मुग़ल सल्तनत थी उस दौर में जो बादशाह रहे, उनके दौर के जो शायर रहे, उसके बाद उनकी जो ख़राब हालात हुए, शायद गरीब की ये शायरी ये भी बताती है। देखिए, 1803 में जब ट्रीटी हो गई है अंग्रेज़ों के साथ, तो शाह आलम बादशाह जो थे वो उनके इन अ वे पेंशनर बन गए थे। हालांकि उनको मिलना जो था वो तो नजराना था, लेकिन जो अंग्रेज़ देते थे वो उसको एक पेंशन की तरह बहादुर शाह जफर तक पहुंची है। उनको 1.25 लाख रुपए महीना पेंशन मिला करता था, जिसमें वो अपना पूरा कुनबा पालते थे और ख़ुद अपना जो सारा मतलब ठाट बाट वो सब बहुत ही मुश्किल से होता था गुजारा। तो और आज देखिए, एक इत्तेफाक़ है कि आज के दिन जो है 17 सितंबर को 1857 में बादशाह ने अपना किला छोड़ा था। अंग्रेज़ जो थे वो किले शहर में घुस चुके थे। फॉल ऑफ दिल्ली 14 सितंबर को हुई है आफ्टर अ 4 मंथ लॉन्ग सीज। और उसके बाद 1857 में जब अंग्रेज़ घुसे हैं तो फिर काफ़ी खून खराबा हुआ है शहर में, जिनको उन्हें लगा कि ये बागी हैं, मतलब कोट अनकोट, हम तो बागी नहीं कहते, लेकिन जिन्हें अंग्रेज़ों ने बागी करार किया था उनको काफ़ी लोगों को मारा गया, जिसमें से एक थे मौलवी मोहम्मद बाकर जो दिल्ली उर्दू अखबार चलाते थे।
कहा जाता है कि अपने भविष्य को जो लोग जानना चाहते हैं उनको अपना अतीत भी याद रखना ज़रूरी है, और जो वर्तमान को समझना चाहते हैं वो भी, जो रेयर मिरर होता है हमारी, जो गाड़ी हम चला रहे होते हैं तो एक तरफ देखता जाना ठीक होता है कि पिछले क्या हुआ था। और इसीलिए हम टहलते टहलते चांदनी चौक में, यहाँ अभी तक चांदनी नहीं आई है, दामिनी भी उसका इंतज़ार कर रही हैं और मैं भी, धूप है अभी काफ़ी, लेकिन हम यहाँ सुनहरी मस्जिद में आ गए हैं। और सुनहरी मस्जिद के बराबर में ही बिल्कुल शीशगंज गुरुद्वारा है, इसको हम देख सकते हैं बाकायदा अपने उल्टे हाथ पर, हमें शीशगंज की ये जो नज़र आ रहे हैं उनकी जो गुंबदें हैं। और ये जगह मुझे, मैं बात कर रही थी राणा सफ़ी जी से और उनके ज़रिए पता चल रहा था कि कैसे ये जगह बदनाम है नादिर शाह के जुल्म को लेकर, कि कितना यहाँ पर कत्लो आम हुआ था, कत्लो गारत जिसे कहते हैं वो भी हुआ था, किस तरह से इसको हम समझेंगे। राणा साहिबा, ये मुझे बताइए कि ये जो ख़ास जगह है, बड़ी ऐतिहासिक है, इसका महत्व है, इसको कैसे आप हमें बताना चाहती हैं? देखिए, जैसे कुछ जगहें होती हैं जो ख़ुद अपने आप में ख़ास नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर कोई एक इंसिडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी वजह से ख़ास हो जाती हैं। तो ये मस्जिद तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी थी, 1721 में रोशनउद्दौला ने बनाई थी, लेकिन इसकी तारीख इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये मस्जिद इम्पॉर्टेंट अपने आप में हो जाती है। कि यहाँ पर जब नादिर शाह ने आए थे और 1739 में उन्होंने अटैक किया था इंडिया को, मुग़ल हिंदुस्तान को, और आके यहाँ पर लाल किले में आ गए थे, उन्होंने मुग़लों को हराया था। तो उसके बाद एक रूमर फैली के बादशाह का कत्ल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने, जो उनके सोल्जर्स थे नादिर शाह को, कुछ उनको मारा। उसके बाद जब यह खबर नादिर शाह तक पहुँची है, दूसरे दिन वो आए हैं और उन्होंने यहाँ मस्जिद में खड़े होकर हुक्म दिया कि जितने लोग हैं उन्हें मारा जाए, जो आम लोग थे। और उस दिन कहते हैं कि खून की नदियाँ बही हैं। यहाँ सामने एक दरवाज़ा था जिसका नाम ही खूनी दरवाज़ा पड़ गया था, अब नहीं है, वो ख़त्म हो गया। तो उसी के, देखिए, ये 1739 है, उससे पहले जो है ये गुरुद्वारा शीशगंज है। यहाँ पे 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम शीश रखा गया है। वो औरंगज़ेब के ज़माने में उनके हुक्म पे हुआ था। तो ये, उसके बाद फिर बघेल सिंह ने यहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया 1783 में। तो ये जो जगह है ना, इसने बहुत वायलेंस देखी है। तो आज मैं जब यहाँ से गुजरती हूँ, जैसे आज मैं दोपहर में यहाँ से गुजर रही थी, तो क्योंकि आज फ्राइडे था तो यहाँ से नमाज़ की भी वो आ रही थी आवाज़, वहाँ से शब्द कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगता है कि जो इस एरिया की एक वायलेंस थी, जो एक जुल्म सितम की जो एक कहानी थी, वो कहीं ना कहीं से धुल गई। मतलब कि जो अब यहाँ पर आ रहा है ना, तो एक थोड़ा सा प्योरिफिकेशन या कहीं स्पिरिचुलाइजेशन हो गया है इस जगह का, कि जो यहाँ की नेगेटिव कॉन्टेशन थे, नेगेटिव एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं गुरुबानी में धुलती नज़र आई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे जो दौर के सियासतदान हैं वो ये चाहते हैं कि उस जुल्म सितम को भूल कर आगे बढ़े। 21वीं सदी में भारत दाखिल हो चुका है, विश्व गुरु बनना चाहता है। तो उस लिहाज से हम देखें, अभी देखिए जो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, उसको जो इंडिपेंडेंस डे का रिमेम्बरेंस डे बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही, वो भी एक तरह से ज़ख्मों को कुरेदने जैसी बात थी। या जो मुग़ल या मुस्लिम जो हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान की, उसको लेके बार बार उस ज़माने के लोगों के जो भी जुल्म सितम रहे या कुछ बादशाहों ने किए, उसको आज के मुसलमानों से उसका बदला लेना या उसकी भरपाई करने की या उसका हिसाब लेने की जो कोशिश है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बादशाहों का काम है जुल्म सितम। वो जितना आपकी रैया परवारी भी करेंगे, मतलब आपकी देखभाल भी करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा भी करेंगे, उनके तो जिसको कहते हैं ना, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जब जो रूलर है, एक ऑटोक्रैट है, एक मोनार्क है, उसके तो एक ज़्यादातर उनके नेचर में भी एक वो होता है, ऑटोक्रेसी होती है, और उसकी वजह से टिरनी भी आती है। लेकिन ये नहीं है कि हर बादशाह ने सिर्फ जुल्म सितम किया। मैं आपको बताऊँ बहादुर शाह जफर की बात, आज के दिन, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, सामने लाल किला है, और 17 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने अपना किला छोड़ा था, क्योंकि अंग्रेज़ शहर में दाखिल हो चुके थे, दिल्ली गिर चुका था, दिल्ली उन्होंने फतेह कर लिया था, और उनका ये कहना था कि अगर मैं यहाँ रहा किले में तो अंग्रेज़ मेरे खून के प्यासे उसकी वजह से और लोगों को भी मारेंगे। इस वजह से वो यहाँ से छोड़ के गए थे। और ये जो कहानी है, ये बेगमात के आंसू ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी है, जिसको मैंने ट्रांसलेट भी करी है। उसमें कहानी है शहज़ादी की बिपता, ये आई विटनेस थी, मतलब ये उनकी बेटी थी कुलसुम जवानी बेगम, जिन्होंने ये कहानी ख्वाजा हसन निज़ामी को सुनाई हज़रत नामुद्दीन दरगाह में, उन्होंने इसको दर्ज किया। वो ये बताती हैं कि जब हम 17 तारीख को शाम को जब हम गए हैं उनके मिलने, बादशाह ने हमको बुलाया, हम वहाँ गए तो बादशाह नमाज़ पढ़ रहे थे, और उनकी दुआ बताती हैं, जब दुआ उनकी मैं सुनती हूँ तो ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि खुदा, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान मेरे बच्चे हैं, इनकी हिफाजत करना,
मेरे अमल की सज़ा इन्हें ना मिले अंग्रेज़ों के हाथ। और उसके बाद फिर वो उसी दरवाज़े से चले जाते हैं, हज़रत नामुद्दीन की दरगाह जाते हैं, वहाँ से बाद में हुमायूं टूम जाते हैं और फिर वहाँ से 20 तारीख को वो कैद होकर वापस आते हैं तो प्रिजनर उसी किले में जहाँ के वो बादशाह थे। तो मैं इसीलिए आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब हम इतिहास को सेलेक्टिवली उठाते हैं, जैसे आपने कहा ये बात बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है कि जो ख़ासकर वो दौर था जब लोकतांत्रिक दौर नहीं था, बराबरी का दौर नहीं था, जब आप ये भी बताया कि जाहिर एक ऑटोक्रेसी उनके बिहेवियर में होती है और चाहे वो हिंदू बादशाह रहे हों या मुस्लिम बादशाह रहे हों या बाकी वेस्ट की हिस्ट्री हम उठा लें तो वहाँ क्रिश्चियन बादशाह रहे हों, सबका कमोबेश एक ही तरह का रवैया था या अलग अलग तरीके से उसको देखा जा सकता है। लेकिन आज जब आप देखती हैं एक इतिहासकार के तौर पर, जब हमारी किताबें बदली जा रही हैं, हमारे सिलेबस से जो हमारे हिस्टोरिकल हीरोज़ हैं उनको बदला जा रहा है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या आप ये समझती हैं कि इतिहास का को हथियार बनाकर हमारे वर्तमान को, हमारे मौजूदा दौर को बदलने की कोशिश हो रही है? जो हमारी एक नेशनल साइकी है उसको बदलने की कोशिश हो रही है? हाँ, कहीं ना कहीं तो हो रही है। और मैं एक बात ये कहती चलूँ कि इतिहास को की रिविज़न तो ज़रूरी है, क्योंकि आपके नए नए सोर्सेज आते रहते हैं, एक्सकवेशन हो रहे हैं, आर्कोलॉजिकल फाइंड है, मैनुस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, कॉइन्स मिलते हैं, तो इतिहास तो हमेशा रिवाइज होता रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग स्टैटिक, इट्स डायनामिक। लेकिन रीराइट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लिखना तो फैक्ट्स के ऊपर ही है ना। तो ये फैक्ट्स और जब तक कि आप सोर्सेज नहीं पढ़ेंगे, आप व्हाट्सएप के ऊपर इतिहास नहीं बदल सकते। बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है वो बार बार इस बात को कहती है कि लेफ्टिस्टों के ज़रिए लिखा गया इतिहास है, इसलिए व्हाट्सएप के ज़रिए वो नया इतिहास दे लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो जो लेफ्टिस्ट हिस्ट्री है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री सीज हिस्ट्री थ्रू द लेंस ऑफ पीपल। तो अगर वो लिख भी रहे हैं तो वो लोगों के नज़रिए से लिख रहे हैं। जैसे कि अभी इरफान साहब का एक पूरा सीरीज़ आया है पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो उसको रिलीजन के उससे देख ही नहीं रहे, मज़हब तो उनके उसमें कहीं आता ही नहीं है। तो इसलिए ये जो है ना मज़हब के लेंस से हिस्ट्री देखना, ये प्रोजेक्ट एक शुरू हुआ था 1811 शायद, एक किताब लिखी गई थी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जेम्स मिल ने लिखी थी, जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को तीन पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। अब जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश डिवाइड कर दिया, क्रिश्चियन हिस्ट्री नहीं हुई, क्रिश्चियन नहीं हुई, और जो हिंदू पीरियड था उन्होंने उसको गोल्डन एरा दिखाया, फिर उन्होंने मुस्लिम पीरियड जो मुस्लिम उन्होंने सो कॉल्ड मुस्लिम पीरियड था उसको उन्होंने एज अ एज ऑफ डार्कनेस दिखाया, और फिर ऑब्वियसली ब्रिटिश केम टू सेव इंडिया, वो तो वाइट मैन बर्डन था ही। ये वहाँ से शुरू होता है। और हिस्ट्री जो है, देखिए जब लिखी जाती है ना, इट इज़ नॉट रिटन थ्रू द लेंस ऑफ रिलीजन। लेकिन यूरोप में हिस्ट्री तो रिलीजन के लेंस से लिखी जा रही थी, क्योंकि यूरोप में प्रीस्ट लिख रहे थे हिस्ट्री। यहाँ पे जो हिस्ट्री लिख रहे थे वो मौरख लिख रहे थे, जैसे कि आप तारीख़ फरिश्ता है, अब एन अकबरी है, या बदायूनी की हिस्ट्री है, तारीख़ फिरोजशाही है, और सारी जितनी फारसी की हिस्ट्रीज हैं इनको जब क्या कहते हैं ट्रांसलेट किया गया, इलियट एंड डॉसन ने ट्रांसलेट किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियंस, दे एम्फसाइज ऑल द वायलेंट पार्ट्स। और उसके शुरू में लिखा हुआ भी है कि वी वॉन्ट टू शो दैट द ब्रिटिश हैव कम टू सेव इंडिया, मतलब इस मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, बट दिस इज़ वॉट इट मीन्स, जिसके ऊपर काफ़ी एतराज़ हुआ है। और अब जो है वो हिस्ट्री, अब जो है वो एंशंट मिडीवियल और मॉडर्न इंडिया के नाम से हिस्ट्री का नाम रखा गया है। लेकिन ये डिवाइड एंड रूल की जो ये शुरुआत है ये जेम्स मिल से होती है, और ये 1857 के बाद और बढ़ गई, क्योंकि ये एक अंग्रेज़ हिस्टोरियन थे जिन्होंने ये लिखा है कि द बिगेस्ट लेसन वी लर्न फ्रॉम 1857 इज दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स लोअर एंड अपर कास्ट एंड क्लासेस ऑल केम टुगेदर, दैट इज समथिंग दे डिड नॉट वांट। और उसके बाद आप देखिए कि जो डिवीजन शुरू हो जाता है। अब हम खड़े हैं उस जगह जो है सही मायनों में चांदनी चौक। जैसा कि मैंने बातचीत में आरफा शुरू में कहा था कि चांदनी तो रहम दिल नहीं है इतनी कि वो बिखर जाती, लेकिन हाँ बादल ज़रूर थोड़े से नरम दिल हुए हैं, हम पर रहम दिखा रहे हैं, बादल छा गए हैं और हमारा सफ़र भी अब है पड़ाव की तरफ। तो चांदनी चौक से जुड़ी जो मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी राना साहिबा, कि महिलाओं के योगदान को हिस्ट्री में भी कम दिखाया गया है, लेकिन हम कम हरगिज़ नहीं दिखाएंगे। हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं कि चांदनी चौक को बनाने में जहां आरा का क्या और कितना योगदान था, और साथ में वो और कौन सी महिलाएं थीं जिनका इस मामले में योगदान काफ़ी उल्लेखनीय रहा है।
एक तो ये कि ये जहाँ हम खड़े हैं तो चांदनी चौक बाजार था, इसमें 444 दुकानें थी एक स्क्वायर के चारों तरफ, डबल स्टोरी, और अपने ज़माने की नायाब सामान उसमें मिला करता था। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो अब टाउन हॉल है तो ये बेगम का सराय था, जो आपने कहा कि औरतें जो थी वो सिर्फ एस्थेटिक्स करती थी तो वो कमर्शियल था, आके मुसाफिर ठहरते थे, ताजर ठहरते थे, उसके पीछे एक बाग था, ये सब जहानारा ने बनवाया था। अच्छा, ये सड़क जहाँ ख़त्म होती है उसको कहते हैं फतेहपुरी मस्जिद। वो फतेहपुरी मस्जिद शाहजहाँ की बीवी फतेहपुरी बेगम ने बनवाया था, और अगल बगल एक दाहिने और एक बाएं दोनों तरफ दो बड़ी बड़ी मस्जिदें थीं जो उनकी बीवियों ने बनाई थी। एक अकबराबादी मस्जिद जो उनकी बीवी अकबराबादी बेगम ने बनवाई थी, 1857 में वो शहीद कर दी गई थी, और एक इस सड़क के खारी बाउली के आखिर में है जिसको कहते हैं सरहंदी मस्जिद, वो उनकी बीवी सरहंदी बेगम ने बनवाई थी। तो औरतों का तो इस एरिया में बहुत बड़ा योगदान है। फैज नहर यही थी, और यहाँ पर समझिए जहाँ हम खड़े हैं वो रहा होगा चांदनी चौक का हौज। तो आरफा, पुरानी दिल्ली में नए चांदनी चौक का सफ़र आज आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, और शायद यही हमारे काम की एक खूबी भी है कि काम भी हो जाता है, मज़ा भी ले लेते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आज का दिन कम से कम उसमें ऐसा गिना जा सकता है जहाँ काम के काम और गुठलियों के आम के और गुठलियों के दाम। शुक्रिया, धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।